देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो है उसके लिए दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला, जहां उसने पैसे लगाए हैं वहां उसे अच्छे रिटर्न मिले। दूसरा, जो उसका पैसा है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बिजनेस में बढ़े। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, जो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप सही से बता पाते हैं तो इससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो आइए आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास मिनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन हिंदी, और ये इस सीरीज का पार्ट टू है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म या फिर इक्विटी क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप वैल्यूएशन कर सकते हैं शेयर्स की जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है या फिर उसके साथ ग्रोथ भी पता है। अलग अलग कंपनीज जो है उनकी परफॉर्मेंस को देख के कैसे आप अपनी कंपनी के शेयर की वैल्यू कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कैश फ्लो का मतलब क्या है। इसमें देखा जाता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब अगर कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, वो बाइक बनाने से रिलेटेड उसके जितने भी खर्चे हैं वो आप हटाएंगे, जो उसकी सेल है उसमें से रिड्यूस करके जो प्रॉफिट आएगा उसे आप कहेंगे यह है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इसमें से टैक्स आप हटा देंगे। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, मान लीजिए कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उससे उसको इनकम हो रही है, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। कंपनी को ने कहीं लोन लिया था उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है उसके ऑपरेशन से आप इनकम अर्न कर पा रहे हैं बट उतना पैसा नहीं था, इसलिए कहीं और से फाइनेंस लिया, कहीं और से फंड करवाया बिजनेस को। तो वो बिजनेस की परफॉर्मेंस की गलती नहीं है, वो तो फाइनेंस का इश्यू है, तो इसलिए इंटरेस्ट जो है आप इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। सारे नॉन कैश एक्सपेंस आप एडबैक करेंगे, क्योंकि यहां हम बात करें कैश के फ्लो की। वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो ऐड करेंगे, इंक्रीज के केस में लेस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बाकी जो अमाउंट बचता है उसे हम कहते हैं कि नेट करंट एसेट्स, जो भी हमारे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है उसको चलाने के लिए इतना पैसा बिजनेस में हमेशा चाहिए, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 2 लाख, अब है 1,80,000। मतलब पहले 2 लाख रुपए बिजनेस में फंसे हुए थे डेली एक्टिविटी को चलाने के लिए, अब 1,80,000 से ही वो सारा काम आप कर पा रहे हैं। दैट मींस 20,000 पे रिड्यूस हुए, तो इससे क्या होगा, अब 20,000 पे कम फंसाने पड़ रहे हैं बिजनेस में, जिससे वो 20,000 पे अब बिजनेस में यूज करेंगे, जिससे उसका फ्लो बढ़ेगा। तो डिक्रीज के केस में एड, इंक्रीज के केस में लेस। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, देखिए ये तो हमने देख लिया कि कैश फ्लो कितना है, बट फर्म के लिए एक्चुअल में कितना कैश फ्लो होगा, क्योंकि अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी ऐसी है जो हर साल आपको खरीदनी पड़ती है, तो कैपिटल के भी सारे खर्चे हटाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना कैश फ्लो फर्म के लिए अवेलेबल है। वहीं अगर इक्विटी की बात करें तो इसमें डेब्ट के एडजस्टमेंट को भी कंसिडर कर देंगे। मतलब अगर डेब्ट इश्यू किए हैं उससे पैसा आया है उसे ऐड कर देंगे, अगर डेब्ट की पेमेंट करी है या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करी है उसे लेस कर देंगे, तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम कहेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। अब देखते हैं इसके थ्रू आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे कर सकते हैं जब आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता हो। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले सिनेरियो को देखते हैं। पहले साल कैश फ्लो है 100, दूसरे साल 120, फिर 130, और उसके बाद फोर्थ ईयर से 10 सालों तक हमारा कांस्टेंट है कैश फ्लो, वो है 150। तो इसे कहते हैं टर्मिनल वैल्यू, जहां कैश फ्लो कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, सेम होना शुरू हो जाता है हर साल। दैट मींस उसके बाद उसमें चेंज नहीं होगा। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो आपने डेब्ट लिया है, जो प्रेफरेंस शेयर है, जो इक्विटी शेयर है, उन सबकी कॉस्ट मिला के कितनी बन रही है, वो है 10%। मतलब इतना परसेंट आपको कमाना पड़ेगा, ये आपकी कॉस्ट है। तो 1 साल बाद 100 रुपए मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो में, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप उसको 10% से डिस्काउंट करेंगे तो आज उसकी वैल्यू होगी 90.909। तो ऐसे ही दूसरे केस में 2 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, तो इसमें आप 2 बार डिस्काउंट करेंगे। 3 साल बाद जब पैसा मिल रहा है आप 3 बार डिस्काउंट करेंगे, बट 3 साल खत्म होते ही फोर्थ ईयर से 10 सालों तक लगातार आपको 150 का कैश फ्लो मिलेगा। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10, 1500 टोटल मिलेगा, जो है टर्मिनल वैल्यू। और ये 3 साल खत्म होते ही, ऐसा नहीं है 4 साल के बाद से मिल रहे, तो इसलिए इसमें भी 3 बार आप डिस्काउंट करेंगे, तो जितनी भी ये वैल्यूज आएगी उसको आप टोटल कर देंगे, वो है आपकी बिजनेस की टोटल वैल्यू।
इसमें से जो भी आपके डिवेंचर है उसको हटाएं, प्रेफरेंस हटाएं, आपकी इक्विटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर है कि कैसे, जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ ग्रोथ भी पता हो तो कैसे करते हैं वैल्यूएशन। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अगर सिर्फ एक साल का ही कैश फ्लो दिया हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए कैश फ्लो दिया हुआ है 100, कॉस्ट है 10%, मतलब जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 10%, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई। आप सिंपली 10% से डिवाइड कर दें, टोटल वैल्यू हो गई 1000। बट अगर ग्रोथ भी है 5%, तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट थी 10% उसमें से 5 ग्रोथ जो है आप माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों है, मान लीजिए एक साल बाद 10 रुपए का खर्चा एडिशनल होगा, एक साल बाद आपको किसी को 10 रुपए देने पड़ेंगे, बट एक साल बाद आपको ये भी उम्मीद है कि जितना प्रॉफिट आपने इस साल कमाया है 5% या फिर 5 रुपए ज्यादा आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो टोटल कितना आपको खर्चा आपका बढ़ेगा, टोटल खर्चा बढ़ेगा 10 रुपए का, बट 5 रुपए का प्रॉफिट आप एडिशनल कमाएंगे, तो टोटल आपके लिए कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 5। तो इसलिए जो ग्रोथ है वो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ग्रोथ के साथ अगर हम देखें तो वैल्यूएशन होगी 2000। बट अगर बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में देखा जाएगा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, मान लीजिए वो है 100, तो इसमें हम वेटेड एवरेज नहीं देखेंगे क्योंकि हम बात करें सिर्फ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20% और उन्हें ग्रोथ एक्सपेक्टेंसी है 5%, तो इसको जब आप एडजस्ट करेंगे तो अमाउंट बनेगा, जो वैल्यू बनेगी इक्विटी के लिए वो बनेगी 666.67। और इसमें प्रॉफिट जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बात करते हैं कि अलग अलग कंपनी के परफॉर्मेंस देखकर कैसे आप अपने शेयर की वैल्यू कर सकते हैं, इसके लिए सिनेरियो को देखते हैं। अब देखिए दो कंपनियों का डाटा हमने लिया है, आप मल्टीपल का भी ले सकते हैं, जैसे कंपनी ए कंपनी बी, टोटल इनका मार्केट कैपिटल, टोटल इन्होंने कैपिटल जो इनकी वैल्यू है वो है 200 180, ये उनकी सेल्स की वैल्यू है, ये उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये कैश फ्लो। तो सेल जो है मार्केट कैपिटल, देखिए इसमें आप 200 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे और ये देखेंगे जो मार्केट कैपिटल, जो पैसा लगा है, जो वैल्यू है वो कितने गुना ज्यादा है सेल से, ऐसे ही कितने गुना ज्यादा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, कैश फ्लो से। उसके बाद आपके पास जब 1 उसकी वैल्यू आ जाएगी तो आप इनका एवरेज कर देंगे, क्योंकि बहुत अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैल्यूएशन आएगी, तो एक वैल्यू लेने के लिए आप सिंपली उसका एवरेज कर देंगे। फिर आप देखेंगे अपनी कंपनी का डाटा, आपकी कंपनी की सेल मान लीजिए 300 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 है और कैश फ्लो है 60, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 300 है, अगर आप कंपनी जो इंडस्ट्री है उसका एवरेज देखें तो जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल होता है वो होता है 1.229 गुना ज्यादा सेल्स से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 300 मल्टीप्लाई बाय 1.229, आपके पास वैल्यूएशन आ जाएगी। ऐसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के केस में 8 गुना ज्यादा होता है, ऐसे ही कैश फ्लो के केस में 6.250 गुना ज्यादा होता है, तो आपके पास ये अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी। बट क्या एक कंपनी की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, द आंसर इज नो। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप तीनों का एवरेज कर देंगे और आपकी कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आपके पास अलग अलग कंपनी का डाटा होता है तो उनके परफॉर्मेंस को देख के आप अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वैल्यूएशन और शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।